भारत सरकार की तरफ से आज हॉकी खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य खिलाड़ियों को भी आज सम्मान दिया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए हॉकी के बड़े होनहार मनदीप मौजूद है। मनदीप, आज आपको मान सम्मान दिया गया, बहुत सारी चीज़ें भी आपने स्टेज पे सीएम के साथ शेयर करी, कैसा लगता है जब एक खिलाड़ी को इतना बड़ा सम्मान जब स्टेज से मिलता है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगता है जब सीएम सर के साथ बैठ के शेयर करना, और जितनी उनको नॉलेज है उन्होंने शेयर की हमसे, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मज़ा आया उनके साथ, और सम्मान बहुत अच्छा हुआ है आगे पंजाब में। क्या लगता है जब स्टेट के अंदर एक खिलाड़ी जब खेलने जाता है वो एक प्रेशर होता है, जब वो खेल कर आता है एक अलग ही वो प्रेशर होता है, कि खुशी बहुत होती है जब आप गए चीज़ों को वहाँ पे की, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? बिल्कुल, हॉकी फील्ड अलग प्रेशर है, जहाँ पे जब स्टेज पे बैठना और बैठ के फिर बाद में बोलना, वो एक अलग प्रेशर रहता है, बट स्टिल फीलिंग अच्छी रहती है जब आज बोले हैं और अच्छा लगा है, और जब सीएम सर से सर ने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर भी दिए, तो आई थिंक अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा नॉलेज है सर को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब स्टेट गवर्नमेंट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, अच्छी चीज़ें, तो खिलाड़ी को कितना उत्साह होता है, और जो सरकार ने 15 लाख जो पहले प्रिपरेशन के लिए दिए, वो कैसा इनिशिएटिव, और जो अब चीज़ें चल रही है वो कैसा इनिशिएटिव एज अ खिलाड़ी अब आपको लगता है जो पहले नहीं था? आई थिंक बहुत अच्छा था, क्योंकि ओलंपिक से पहले 15 लाख दिया प्रिपरेशन का, और उसके बाद अभी एक करोड़ का दिया उन्होंने सम्मान, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स जैसे हम प्लेयर खेल के आए, हमारा ये था कि हमने हार्डवर्क करना है और हमें मेडल लेके आना है और हमें पंजाब का, इंडिया का नाम रोशन करना है, इससे क्या है जो जूत है और ऊपर आएगी स्पोर्ट्स में और तरक्की करेगी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खिलाड़ी मनदीप, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उन्होंने बोला सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स दिए जाते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, वो वाकई ही खिलाड़ी के लिए बहुत मान और सम्मान की बात है। कैमरा मैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।